हमारे भारत देश से देश में प्राचीन काल से ही औरतों को जो मासिक पाली होती है समाज में उसे कम बहुत ही काफी हिंसा से देखा जाता है। और इस चार दिन में औरतें घर का खाना पकाना, पूजा करना, कोई भी काम नहीं कर सकती। हमारे यहाँ श्रावण भाद्रपद में ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सब औरतें उपवास रख के पूजा करती है और इस उपवास से जो साल भर में जो नियम नहीं पाले जाते वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए और जानते हैं इसके बारे में। आता वाल्मिक ऋषींच्या ऋषि पंचमीचे उपवास धरत होतो ते उजवण्यासाठी इथं आलो। कशासाठी हा उपवास करतात? जे आपल्याला मासिक धर्म येतो असतो चार दिवस, तर त्यात आपल्याकडून जर समजा काय होतच ना, आता काही पाळत नाही कोणी प्रत्येक जण घरी, मग त्यामुळं जर असं शिवताची होत होती, घरच्यांना करून घातलं जातं, मग त्याचे दोष सगळे जाण्यासाठी ऋषींच्या पैशी त्यांच्याकडे मागणी करायची की हे जे काय असेल ते आमचं निवारण करा। बहुतेक स्त्रिया काय करतात की ज्यावेळेस त्यांचं जाईल मासिक पाळीचं त्यावेळेसच मग त्या उजवतात की म्हणजे तोपर्यंत तरी दोष राहतोच ना। प्रत्येकाची मग भावना असते उजवण्याची, 7 वर्षानंतर केला तरी चालतो। तुम्हाला काय वाटतं की हे असा उपवास केल्याने जो दोष असतो तो नष्ट होत असेल का? अशी समज आहे म्हणून आपण चालत आलोय। आपण कोणी देव पाहिलाय का? आपण देव आहे म्हणून आपण सगळे पाळतो, मानतो देवाला। आज आमच्याकडे पाऊस पडत नाही कारण पर्यावरण। हे ऋषी पंचमी के कारण ग्रामीण भाग के औरतों की मानसिक स्थिति अच्छी रखने में भी मदद करता है। हम सारे नियम नहीं पाल सकते क्योंकि हमें बाहर का भी, घर के साथ बाहर का भी काम करना होता है। मैं खुद भी ज़्यादा काम होने के कारण ये नियम नहीं पाल सकती, तो ये उपवास मैं रखती हूँ और भगवान से मन्नत मांगती हूँ। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वल्लेगांव से, इंडिया अनहड़ के लिए।